दोस्तों, अगर आपको भारत की टीम वर्ल्ड कप 2023 की सबसे प्रबल दावेदार टीम लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा ओडे मुकाबला और सीरीज का अंतिम मुकाबला आज राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां पर भारत के उन सभी धुरंधरों की वापसी हुई जो कि पिछले दो ओडे मुकाबलों में आराम कर रहे थे, जिनमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे बड़े नाम शामिल थे। तो आखिरकार क्या हुआ इस तीसरे और अंतिम ओडे मुकाबले में, दिखाने जा रहे इस मुकाबले की सबसे बड़ी हाईलाइट। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था टॉस और किया था बल्लेबाजी करने का फैसला, और मैच दर मैच, सीरीज दर सीरीज रन बनाने वाले सुमन गिल एक बार फिर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ उतरे थे मैदान पर भारत की शुरुआत करने के लिए, और उसके बाद मैदान पर सिर्फ चौके और छक्कों की बारिश हुई। सुमन गिल के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। पहले विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 113 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसके बाद सुमन गिल 66 रन बना करके आउट हो जाते, जिसके बाद क्रीज पर उतरते हैं किंग कोहली और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बीच में भी 64 रनों की पार्टनरशिप लगती, जिसके बाद रोहित शर्मा भी 98 रन बना करके आउट हो जाते। इस प्रकार से भारत की बल्लेबाजी बेहद ही जबरदस्त चल रही थी इस मुकाबले में, और फिर रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर उतरते हैं श्रेयस अय्यर। इंजरी के बाद श्रेयस अय्यर ने जो शतक लगाया वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भारत को अब वर्ल्ड कप में डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में पारी खेली वो वाकई में डिजर्व करते थे इस मुकाबले में 100 के लिए, लेकिन मिस कर गए। लेकिन उसके बाद फिर क्रीज पर उतरे केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच, सॉरी विराट कोहली के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप लगती है। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 103 रनों की शानदार इनिंग खेली, जिसके बाद विराट कोहली भी आउट हो जाते। फिर हार्दिक पांड्या ने भी अंत में अपने हाथ खोले और 6 गेंदों में 19 रनों की एक शानदार पारी खेली हार्दिक पांड्या ने भी। इस प्रकार से भारत ने इस तीसरे और सीरीज के अंतिम ओडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने 328 रनों का एक जबरदस्त स्कोर रखा था। जब बारी आती ऑस्ट्रेलिया की ऐसे को चेस करने की तो ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत रहती। मैच के पहले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट झटक लेते, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता और एक एक करके ऑस्ट्रेलिया का हर एक बल्लेबाज आउट होने लगा। इस प्रकार से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मैच में हराते ही सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया।